यहां पर इसने कहा है कि ये डाइलेक्ट्रिक है जिसमें कि K1, K2 और K3 भरा हुआ है, और हम चाहते हैं कि पूरे में केवल एक ही डाइलेक्ट्रिक हो और कैपेसिटेंस सेम हो जाए, तो वो K कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसका जो कैपेसिटेंस है, पूरा एरिया है A और बीच की डिस्टेंस है कितनी, D, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय T। और यहां पे तीन तीन भरे हैं, तो पहले हम इसको ऐसे कट कर लेते हैं, ये दो कैपेसिटर सीरीज में, ये दो कैपेसिटर सीरीज में, फिर ये इसके पैरेलल में। यानी इसको अगर आप देखोगे तो ये कॉम्बिनेशन है ऐसा चार कैपेसिटर्स का, जिसमें यहां पे ये दो सीरीज में, ये दो सीरीज में, यहां पर ये दो सीरीज में, ऐसे, ठीक है। ओके, अब एक काम करते हैं, हमें एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैं इसके कैपेसिटेंस को मान लेता हूं सी है, ठीक। अब अगर केवल 1/4 को देखोगे, यानी केवल एक पार्ट का कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो एरिया भी आधा हो गया और डिस्टेंस भी आधी हो गई है, तो इसका कैपेसिटेंस भी अगर देखोगे तो सी 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 और सी ही होता अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो। लेकिन अब इनमें तो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इसमें K3 तो ये हो जाएगा K3C, इसमें भी K3 तो K3C, ये हो जाएगा K1C और ये कितना हो जाएगा K2C, ठीक है। इसका C है अगर, तो उन सबका K1C, K3C, K3C और K2C हो गया। अब इनका इफेक्टिव निकालते हैं, ये दोनों सीरीज में, सीरीज में तो इफेक्टिव होगा K1C K3C अपॉन K1 प्लस K3 इंटू C प्लस इसका कितना हो जाएगा K2C K3C अपॉन K2 प्लस K3 इंटू C, और इफेक्टिवली ये कितना है C, ये C कैंसिल, इधर से C और ये C कैंसिल, तो इक्वेशन आ गई K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 इक्वल टू 1। और 1 नहीं, इसमें भी तो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है ना K का, खाली होता तो C होता, तो यहाँ पे KC, तो यहाँ K आ जाएगा। तो पहले सीरीज है, तो पहले पैरेलल में कट किया, फिर सीरीज में कट किया, ने सही लिखा है K इक्वल टू आएगा K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3, K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3, ठीक है। एक बार जरा फिर से समझा दो, फिर आंसर को कंपेयर करते हैं। मैंने मान लिया कि जब ये पूरा खाली था तो कैपेसिटेंस सी था, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक के भरने पे ये KC हो जाएगा। अगर पूरे का कैपेसिटेंस सी था तो केवल 1/4 को भी देखोगे तो उसका कैपेसिटेंस सी ही आएगा, तो डाइलेक्ट्रिक भरने पे ये K1C, ये K2C, ये K3C और ये K3C हो गया। और हमारा जो आंसर आ रहा है कायदे से वो किसी में भी नहीं दिया है, तो एक बार जरा हम आंसर को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी है, लेकिन यहां एक मिस्टेक हुई है, नहीं कोई मिस्टेक नहीं है, यही तो आंसर आ रहा, तो डी हमारा राइट आंसर।